हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन, जिसे इंग्लिश में मेगा स्पोरोजेनेसिस भी कहा जाता है। गुरु बीजाणु जन्म में क्या होता है? गुरु बीजाणु जन्म में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के विकास की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जन, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है उसको भी हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। बीजाणुकाय की जो अधस्त त्वचा की कोई भी कोशिका परप्रक्षु आरंभक का कार्य करती है। परप्रक्षु आरंभक आपको पता ही है, आर्किस्पोरियल सेल्स। और अगर अगर आप भूल गए हों कि बीजाणुकाय क्या है तो एक बार डायग्राम से देख लीजिए। तो यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जो भाग है आपको दिख रहा होगा, ये है बीजाणुकाय। और बीजाणुकाय की कोई भी कोशिका जो है वो किसकी तरह कार्य करती है? परप्रक्षु कोशिका की तरह। अब देखिए, तो हमने कहा बीजाणुकाय की अधस्त त्वचा की कोई भी कोशिका परप्रक्षु आरंभक का कार्य करती है। तो अभी हमने देखा बीजाणुकाय में जो उसकी हाइपोडर्मिस थी उसके कोई भी कोशिका जो है परप्रक्षु आरंभक की तरह कार्य करती है। और मैंने आपको अभी बताया परप्रक्षु आरंभक क्या है? आर्किस्पोरियल इनिशियल का कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं जो हैं परप्रक्षु कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें क्या विशेषता होती है कि ये बीजाणुकाय है उसकी अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा आकार में बड़ी होती हैं। इनमें सघन कोशिका द्रव्य होता है और इनका केंद्रक भी क्या होता है? स्पष्ट होता है। तो ये आप सब इजीली पहचान सकते हैं कि बीजाणुकाय में जो कोशिकाएं दूसरे की अपेक्षा बड़ी होती हैं, सघन उनमें कोशिका द्रव्य होता है और उनमें केंद्रक कैसा होता है? स्पष्ट होता है। बाद में इन परप्रक्षु आरंभिक कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? परिणित विभाजन होता है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करो और उसको याद रखने की कोशिश भी करो। हमने कहा बीजाणुकाय की अधस्त त्वचा में परप्रक्षु कोशिकाएं क्या भिन्नता है? इनमें आकार में बड़ी, सघन कोशिका द्रव और सुस्पष्ट केंद्रक। फिर इनमें क्या हो रहा है? परिणत विभाजन जो होता है, असमान विभाजन भी हम बोल सकते हैं। इसमें जो है असमान जो कह सकते हैं हम इसको विभाजन, परिणतिक विभाजन के कारण इन कोशिकाओं में दो तरह की कोशिकाएं बनती हैं। बाहर की तरफ प्राथमिक भित्तीय कोशिका और भीतर की ओर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बाहर की तरफ क्या? प्राथमिक भित्तीय कोशिका और अंदर की साइड यानी भीतर की साइड प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। दोनों के नाम से ही स्पष्ट है, बाहर वाले क्या है? भित्तीय कोशिका यानी दीवार का काम करेगी। भित्ति मतलब दीवार होता है। तो जो बीजाणुकाय है या जो बनने वाला भ्रूणपोष है उसकी भित्ति का काम करेगी, और जो अंदर वाली कोशिका है वो किसका निर्माण करेगी? बीजाणु का। तो उसको क्या नाम दिया गया? बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको, हो गया होगा। परप्रक्षु आरंभक में क्या होता है? परिणत विभाजन, जिसके कारण बाहर क्या बनती है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका और भीतर की ओर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती हैं या तो ये अविभाजित रहती हैं यानी उनमें कोई डिवीजन नहीं होगा, या फिर इनमें बार बार विभाजित होकर ये क्या बनाती हैं? भित्ति का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण? भित्ति का। दूसरी तरफ ये जो अंदर वाली कोशिकाएं हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो हैं वो किसकी तरह कार्य करेंगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करेंगी। ये किसकी तरह कार्य करती हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती हैं। और इनमें फिर क्या होता है? अधसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है। अधसूत्री विभाजन के कारण जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उसमें से क्या बनते हैं? चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करते हैं। अगर आपको याद हो तो नर बीजाणुजन जो है, या हम बोल सकते हैं नर युग्मभेद के निर्माण में भी चतुष्क बनता है, तो यहाँ पे भी
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के में अधसूत्री विभाजन होने से क्या बन रहे हैं, चार अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये चार अगुणित, देखिए क्या लिखा, अगुणित, चार अगुणित यानी हैप्लॉइड। ये जो चार अगुणित गुरु बीजाणु हैं ये कैसे अरेंज रहते हैं, रेखीय चतुष्क में विन्यासित रहते हैं। रेखीय चतुष्क मतलब है एक लाइन में ऐसे ऊपर नीचे कुछ इस प्रकार से उनका अरेंजमेंट रहता है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर हमने कहा क्या था, हमारा परिपक्ष कोशिका उसमें परिणित विभाजन हुआ, बाहर की तरफ क्या बनी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और भीतर की तरफ प्राथमिक बीजाणुजन। बाहर वाले कोशिकाओं में या तो विभाजन होगा या नहीं होगा, और विभाजन के अगर होगा तो भित्ति का निर्माण करती हैं, और नहीं होगा तो भी भित्ति का निर्माण करती हैं। दूसरी ओर अंदर की वाली प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती हैं, उनमें अधसूत्री विभाजन होता है और क्या बनाते हैं, चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। और ये किस तरह से अरेंज हो जाते हैं या किस तरह से उनका विन्यास रहता है, उनका रेखीय चतुष्क की तरह विन्यास रहता है। अब देखिए आगे, रेखीय गुरु बीजाणु चतुष्क में से केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है जो मादा युग्मभेद का निर्माण करता है। अभी हमने यहाँ कहा यहाँ कितने का निर्माण हो रहा है, चार गुरु बीजाणुओं का, सिर्फ उसमें से सिर्फ एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, बाकी के ये देखिए एक जो सक्रिय रहता है वो किसका निर्माण करेगा, मादा युग्मभेद का, और बाकी के जो तीन हैं वो अपराशित हो जाते हैं और वो इस युग्मभेद के निर्माण के लिए पोषण का कार्य करते हैं। ठीक है, वो अपराशित हो जाते हैं और उनका उपयोग सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा पोषण के लिए कर लिया जाता है। सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा भ्रूणकोश अर्थात मादा युग्मभेद का निर्माण करता है। ये जो है आगे जाके जो एक बना है ना, ये चार गुरु बीजाणु थे उसमें से तीन तो अपराशित हो गए और एक जो है वो बचा रह गया, उसका वो क्या बनाएगा, मादा युग्मभेद, और उसका दूसरा नाम क्या है, भ्रूणकोश। ठीक है, अब भ्रूणकोश यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, बुक्स में तो नहीं मेंशन होती है लेकिन मैं समझा देती हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। यहाँ वर्ड आया भ्रूणकोश, आगे जाके आप एक और टर्म पढ़ेंगे भ्रूणपोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो भ्रूणकोश और भ्रूणपोष मैं पेंसिल से लिख कर बताती हूँ आपको, भ्रूण टॉपिक से हटकर है थोड़ा लेकिन समझ लीजिए, दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना, भ्रूणकोश भ्रूणपोष। मैं हमेशा इसको स्टूडेंट्स को बताती हूँ ऐसे कि जहाँ भ्रूणकोश यानी जहाँ ब्रैकेट में हो या जहाँ उसका निर्माण हो रहा है वो क्या है, भ्रूणकोश। भ्रूणपोष यानी जहाँ भ्रूण को क्या मिल रहा है, पोषण, जहाँ भ्रूण को पोषण मिल रहा है वो क्या है, भ्रूणपोष। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, भ्रूणकोश, जहाँ भ्रूण का निर्माण आगे जाके होगा। ठीक है, अब एक बार ये जो हमने समझा ऊपर वाला जो भी अभी पढ़ा उसको हम थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। तो डायग्राम में आप देखिए, अभी हमने कहा यहाँ क्या हुआ कि जो परिपक्ष कोशिकाएं थी, परिपक्ष कोशिकाएं थी उसमें क्या हुआ, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन हुआ और क्या बन गई, चार कोशिकाएं, एक दो तीन चार, यहाँ देख सकते हो ये एक दो तीन चार, और ये जो चार थे तो क्या बने, चार गुरु बीजाणु बने। और ये कैसे अरेंज है, चतुष्क में है और कैसे रेखीय विन्यास में है, यहाँ देखिए चार है ना, ये चार है और एक रेखा में है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक था इसमें दो हुए, दो के ये चार हुए मियोसिस के कारण यानी असूत्री विभाजन के कारण। और इस चार में से जो है, चार में से यहाँ दिखाया नहीं गया है, इस चार में से सिर्फ एक रहता है, एक बचता है, बाकी जो तीन हैं वो अपराशित हो जाते हैं और उनका जो है जो इस एक के द्वारा वो जो इन ये जो चार हैं इनमें से तीन तो क्या है, वो
अपराशित यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। वो एक जो है, एक जो बच्चा रहेगा जो आगे जाके मादा युग्मोवद बनाएगा, उसके पोषण में काम में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मादा युग्मोवद का निर्माण कैसे होता है। मादा युग्मोवद या भ्रूण कोष, तो अभी अभी हमने देखा कि जो गुरु बीजाणु बने थे, गुरु बीजाणु मादा युग्मोवद की प्रथम कोशिका है, ये तो हमें पता ही है कि अभी जो यहाँ पे बना, यहाँ पे जो एक चार में से एक जो बचा वो क्या है, पहली कोशिका ही होगा मादा युग्मोवद की। अब है गुरु बीजाणु बीजाणुकाय से पोषण प्राप्त करके आकार में बड़े हो जाते हैं तथा बीजाणुकाय का अधिकतम स्थान घेर लेते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो ये चार कोशिकाएं थी, अभी मैं डायग्राम में शो करती हूँ आपको, थोड़ा सा इस वाली बुक से देखते हैं हम लोग। देखिए अभी जो मैंने आपको सारा कुछ बताया, ये बीजाणुकाय थी, इसमें परिपक्व कोशिकाएं बनी और ये चार रेखिया। अब धीरे धीरे इसमें से चार में से एक रह जाती हैं और ये आकार में बड़ी होने लगती हैं और ये अपना पोषण कहाँ से लेती हैं, बीजाणुकाय से, और बड़ी होकर वो अपना स्थान वहाँ पे घेर लेती है। इसमें छोटे छोटे रिक्तिकाएँ भी प्रकट होती हैं जो संयुक्त होकर बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती हैं। उसके बाद में गुरु बीजाणु के केंद्रक में तीन बार, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितनी बार, तीन बार मुक्त केंद्रीय सूत्री विभाजन होता है और उसके कारण यहाँ पर क्या बन जाते हैं, आठ केंद्रक का निर्माण होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए डायग्राम से समझाइए, समझाती हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर ये चार कोशिका में से एक रह गई, बाकी तीन गायब हो गई। धीरे धीरे ये क्या होगा, आकार में बड़ी हो जाती है, एक जो है आकार में बड़ी हो गई और कई सारी रिक्तिकाएं प्रकट होती हैं। बाद में जाके वो एक रिक्तिकाएं हो गई, यहाँ देख रहे हो आप, एक कोशिका ही बची हुई है। इसके अंदर ये जो एक केंद्रक है ना, गुरु बीजाणु, सॉरी, इस गुरु बीजाणु के जो केंद्रक था उसमें क्या होता है, उसमें अभी हमने बोला तीन बार मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है। तीन बार कैसे, एक केंद्र से क्या बने, दो, दो से बने चार और चार से बने आठ, एक दो तीन, तीन बार क्या हुआ, केंद्रीय सूत्री विभाजन हुआ और उसके कारण क्या, कितने केंद्रक बन गए, आठ। ये देखिए दो से चार, चार से आठ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार चार आठ, तो आठ केंद्रकों का निर्माण हुआ। और प्रथम विभाजन द्वारा निर्मित दोनों केंद्र रिक्तिका के दृढ़ीकरण के कारण विपरीत ध्रुवों तक पहुँच जाते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट इसी की बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पर ये रिक्तिका का जो दृढ़ीकरण हुआ है, यानी लंबाई में जब खिंचती हैं तो ये जो केंद्रक हैं, इस केंद्रक का जब पहली बार विभाजन हुआ, पहला विभाजन, उसकी वजह से ये क्या हुआ, विपरीत ध्रुवों की तरफ आ गई है। ठीक है, और विपरीत ध्रुवों के आगे फिर दूसरा विभाजन हुआ, फिर तीसरा हुआ, यानी यहाँ चार चार केंद्रक अलग जो है प्रत्येक ध्रुव की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की कि चार ध्रुव, चार जो केंद्रक है वो एक ध्रुव की तरफ और चार केंद्रक एक ध्रुव की तरफ। प्रत्येक ध्रुव पर स्थित चार केंद्रों में से एक एक केंद्रक कोशिका के मध्य में आकर ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कितने, चार केंद्रक, यहाँ पे चार केंद्रक, इन चारों केंद्रक में से एक यहाँ से आया, एक यहाँ से केंद्रक आया और यहाँ बीच में आ गया। जो ये सेंटर में जो आया है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, फिर से समझिए, चार कोशिकाएं इस ध्रुव में थी, चार यहाँ थी, यहाँ से एक केंद्रक सेंटर में आया, दूसरा वाला केंद्रक सेंटर में आया और इसको हमने क्या कहा, ध्रुवीय केंद्रक। और ये जब आपस में संयुक्त हो जाती हैं, जब दोनों साथ हो गई हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। क्या कहते हैं, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, इसी वाले को जो ध्रुवीय केंद्रक है उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अब द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। ठीक,
ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, अभी अभी हमने क्या कहा कि जो गुरु बीजाणु की सिर्फ एक कोशिका बच गई, बाकी तो प्राशित हो गई थी, वो क्या करता है अपना पोषण लेता है, फिर उसमें एक रिक्तिकाएँ बनती हैं, फिर बड़ी रिक्तिकाएँ बनती हैं, फिर जो उसका केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, उसमें मुक्त केंद्रीय सूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण क्या होती है 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। उस 8 केंद्रकों में प्रत्येक जो ध्रुव की तरफ जो है 4-4 केंद्रक हो जाते हैं। उस केंद्रक में से एक केंद्रक बीच में आ जाता है और बीच में आकर किसका निर्माण करते हैं, ध्रुवीय केंद्रक में। जब ये दोनों जो केंद्रक हैं बीच में मध्य में आकर, हमने कहा ना दोनों जब आपस में संयुक्त हो जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। यहाँ तक स्पष्ट होगा आपको। अब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं कि हमने ये कहा ये क्या था, एक बीजाणुकाय है ना, और उसका एक तरफ या बीजाणुकाय जो सिरा है, एक सिरे को हम क्या बोलते हैं, निभागी सिरा, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, बीजाणु द्वारी सिरा। ठीक है, अब हम थोड़ा ध्यान से समझिए, अब जैसे हमारे ये डायग्राम है, अगर हम इसको माने जो है, इसको हम माने निभागे सिरा, और इस वाले को हम माने जो है बीजाणु द्वारी, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हमने बोला, इस वाले पार्ट को अगर हम बोलते हैं निभागे सिरा और इसको बोलते हैं बीजाणु द्वारी सिरा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बीजाणु के स्ट्रक्चर में या संरचना में। अब देखिए जो निभागे जो है बीजाणु द्वारी सिरा है, वहाँ पे भी क्या बनेंगे, 3 केंद्रक, अभी हमने कहा ना 4 थे, इसमें से एक एक आके क्या बना लिया उन्होंने, ध्रुवीय केंद्रक, क्या बना लिया, ध्रुवीय केंद्रक। अब यहाँ पे भी 3 बच गए, बीजाणी जो बीजाणी है वहाँ पे 3 बच गए, और यहाँ पे भी निभागी की तरफ भी 3 केंद्रक बच गए। अब ये किसका निर्माण करते हैं, बीजाणु द्वारी सिरा की तरफ जो 3 केंद्रक हैं ये वाले, ये जो हैं वो किसका निर्माण करते हैं, अण समुच्चय का। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, अण समुच्चय का। इस अण समुच्चय में कितने कोशिका होंगी, 3, जिसमें से एक क्या होगी अण कोशिका और 2 क्या होंगी सहायक कोशिकाएं। एक होगी अण कोशिका और 2 क्या होंगी सहायक कोशिका। यहाँ देखिए इसमें से एक अण कोशिका होगी और 2 सहायक कोशिका, और ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अण समुच्चय का। दूसरी ओर निभागी जो सिरा है वहाँ पर भी 3 केंद्रक हैं, ये देखिए निभागी सिरा की तरफ भी ये 3 केंद्रक हैं, और ये 3 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जिनको क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसे एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लेबलिंग इंग्लिश में, मैं हिंदी में समझा देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ 3 कोशिकाओं का निर्माण, ये देखिए 3, ठीक है। अब ये पे जो 3 केंद्रक हैं उन्होंने 3 कोशिकाओं का निर्माण किया, और ये वाला भाग कौन सा, निभागी सिरा है, और निभागी सिरा की तरफ जब 3 कोशिकाएं हैं उनको क्या नाम है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और जो नीचे की तरफ यानी जो हमारा क्या था, बीजाणु द्वारी सिरा था, वहाँ पे जो 3 कोशिकाएं बनती हैं उसको क्या बोलते हैं, अण समुच्चय। अण समुच्चय कब बोलते हैं, जिसमें से एक है जो है अण कोशिकाएं और 2 जो हैं, 2 जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, सहायक कोशिकाएं। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, अण समुच्चय, और बीच में जो है वो क्या है, ध्रुवीय केंद्रक। अब आपको ये स्ट्रक्चर पूरा रट जाना चाहिए अच्छे से कि क्या है निभागीय सिरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, निभागीय सिरा और यहाँ पर बीजाणु द्वारी सिरा। बीजाणु द्वारी सिरा की तरफ क्या होगा, अण समुच्चय, निभागीय सिरा की तरफ होंगी प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच में क्या होंगी, ध्रुवीय कोशिका। और ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, इस तरह का अरेंजमेंट जो है
अधिकांश आवृतबीजी पादपों में भ्रूणपोष का परिवर्तन इसी प्रकार से होता है। ज्यादातर आवृतबीजी पादपों में यानी ज्यादातर एंडोस्पर्म में इसी तरह का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। और इसे हम क्या बोलते हैं, एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन कहते हैं। और इस परिवर्धन के अंदर की खासियत ये होती है कि इसमें क्या होती है, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 कोश 8 केंद्रक क्यों समझाइए, कई बार पूछा जाता है भ्रूण कोश के परिवर्धन को समझाइए, कई बार क्वेश्चन आता है बीजाणु जनन को समझाइए, कई बार क्वेश्चन आएगा कि मादा युग्मभेद का निर्माण बताइए। आंसर एक यही पूरा है प्रोसेस, लेकिन अलग अलग टर्म से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ये 7 कोशिका और 8 केंद्र कैसे वो समझिए। तो देखिए कोशिका हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो कितनी कोशिकाएं हैं, 7 कोशिका, और केंद्रक वहीं गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ हमें पता है 2 कोशिकाएं थी तो 7, 8, तो हो गई ना 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक। तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, तो उसके अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।